हाय फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक है और बहुत अच्छे तरीके से गार्डनिंग कर रहे हैं आज इस वीडियो में मैं बताऊँ कि बैल्कनी गार्डनिंग के बारे में जो बैल्कनी में हम लोग गार्डनिंग करते हैं उसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम हम लोग का एराइज होता है और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके कैसे हम लोग अपना गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं इस चीज़ पर आज वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं बैल्कनी गार्डनिंग करती हूँ और उसमें जो जो प्रॉब्लम हर रोज़ हमको फेस करना पड़ता है वो बहुत अच्छे तरीक़े से समझती हूँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो स्पेस प्रॉब्लम कि कौन सा प्लांट कहाँ पे रखे उसको कौन सा धूप चाहिए कौन सा प्लांट को धूप चाहिए कौन सा प्लांट को धूप नहीं चाहिए ये सब चीज़ बहुत आ, ध्यान में रखकर हम लोग को गार्डनिंग करना पड़ता है तो मेरा जो बैल्कनी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है उसमें से मैं कह सकती हूँ आप हमेशा ऐसा प्लांट चूज़ कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा केयर मांगता नहीं है और दूसरी बात है जो आप छोटे छोटे पॉट में भी आप आसानी से लगा सकते हो क्योंकि सनलाइट, वाटर रेन वाटर ये सब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको uh, इधर से उधर ले जा सकते हैं ऐसा करके हम लोग को पॉट चूज़ करना पड़ता है तो छोटे पॉट में ये प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि छोटे पॉट को आप कहीं पर भी आपको सनलाइट चाहिए तो उसके हिसाब से सन जहाँ पे मिल रहा है सनलाइट वहाँ पे आप रख सकते हो और जो मतलब रेन वाटर चाहिए जब या कुछ छाँव की दरकार है मतलब छाँव में रखना है प्लांट तब उस हिसाब से आप रख सकते हो उसको क्योंकि इसको कैरी करना बहुत ही आसान बन जाता है आप बहुत बड़ा पॉट लेते हो तो उसको कैरी करने में बहुत ही दिक्कत आती है तो सबसे बड़ा पॉइंट है आप छोटा जो पॉट है उसको इस्तेमाल कीजिए और दूसरी बात है आप हैंगिंग प्लांटर को बहुत यूज़ कीजिए क्योंकि हैंगिंग प्लांटर भी ये सुविधा देती है कि हम प्लांट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से धूप बोलिए या रेन वाटर बोलिए या छाव बोलिए हैंगिंग प्लांटर को हम उसी हिसाब से जगह में हम रख सकते हैं तो ये दो पॉइंट एक हो गया छोटा पॉट में प्लांटिंग करना और दूसरा है, है हैंगिंग बास्केट को यूज़ करना ये दो बहुत ही अच्छा होता है बेल्कनी गार्डनिंग के लिए क्योंकि बैल्कनी गार्डनिंग में एक सनलाइट का प्रॉब्लम होता है स्पेस का प्रॉब्लम होता है तो ये दो चीज़ जो है इसको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे हम प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से सनलाइट और इनडायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट ये सब प्रोवाइड कर पाए तो इसलिए इस ये दोनों चीज़ बहुत ही हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है एक छोटा पॉट और एक हैंगिंग बास्केट और प्लांट को हमेशा जो प्लांट ज़रूरत के हिसाब से आप जिस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है जैसे कि अगर आप पोर्टुलिका प्लांट लगाते हो पोर्टुलिका बिना सनलाइट के होता ही नहीं है तो आप ऐसे जगह पे उसको हैंग करके रख दो कि जहाँ पे सनलाइट अच्छा से धूप अच्छा से उसको मिल सके तो आपके पास अगर बैल्कनी में अगर आपका ग्रिल है तो ग्रिल में लटका के रख सकते हो आप ऐसे प्लांट को और पूरा अपने बैल्कनी के ग्रिल को यूज़ करो हैंगिंग बास्केट हैंगिंग प्लांटर ये सब को ये सब लगाने के लिए तो आपका शौक भी पूरा होगा गार्डनिंग का और साथ साथ प्लांट भी प्लांट का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपको फ्लावरिंग बोलिए चाहे प्लांट का खूबसूरती बोलिए वो सब देखने को मिलेगा तो जैसे देखिए ये मेरा का इसमें बहुत सारा फ्लावर खिलता है बेल्कनी में रहते हुए भी क्योंकि इसको मैंने ऐसी जगह पे हैंग करके रखा है जहाँ पे इसको पाँच छः घंटा का धूप आराम से मिल जाता है तो और ये, आप देखिए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बास्केट में मैंने नहीं रखा हल्का सा छोटा सा बास्केट में ही मैंने इसको रखा ये सब जितना सारा प्लांट आप देख रहे हैं देखो छोटा छोटा सब बस पॉट में ये मैंने ग्रो किया ताकि बहुत सारा प्लांट भी ग्रो कर सकूं और इसको ज़रूरत के हिसाब से मैं इधर से उधर भी कर सकूं आप आ, ये देखिए ये एक ठो मग में मैंने लगाया इसमें वंडरिंग ज़ू भी है पोर्तुलिका भी है और कितना छोटा सा मग है काफ़ी मग है वो उसमें मैंने इसको लगाया और कितना अच्छा से ये ग्रो कर रहा है देखिए इसमें फूल भी आता है आज तो फूल नहीं है पुतुलिका लेकिन बहुत अच्छा फूल भी आता है इसमें और वंडरिंग ज़ू भी अच्छा से ग्रो हो रहा है तो ये सब थोड़ा बहुत ट्रिक्स अगर आप अपनाओगे ये भी देखिए ये भी एक तो काफ़ी मग में लगा हुआ है और ये देखिए ये मैंने वंडरिंग सॉरी ये मैंने गोल्डन हेज और पुरतुलिका एक साथ लगा के रखा है एक तो छोटा सा पॉट में और उसको मैंने हैंग कर दिया और ग्रिल से ऐसे करके लटका दिया और ये भी देखिए मेरा जो अपराजिता होता है एक तो ब्लू वाला एक तो वाइट वाला दोनों ही मैंने ऐसे हैंग करके रखा है क्योंकि अपराजिता बिना धूप के बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करता और यहाँ पे उसको बहुत अच्छा धूप भी मिल रहा है तो ऐसे करके आप कीजिएगा तो आपका गार्डनिंग का शौक़ भी पूरा होगा और आपका अच्छा से आप फूल खिलते हुए भी देखोगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो